भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद से प्रशासनिक हलचलें तेज हो गई हैं। जिले में लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी के विजेंद्र पांडेन व एसएसपी डॉ. सुनील गुप्ता ने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ यूनिवर्सिटी परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान डीएम और एसएसपी ने पोलिंग पार्टियों के स्वाइनिंगी स्थल, ईवीएम के रखने का स्थल, मतदाता कर्मियों के परीक्षण स्थल, मतगणना के लिए स्थल के लिए विभिन्न स्थानों चयन किया गया, जिसमें लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न कराया जा सके। गौरतलब है कि गोरखपुर जिले में लोकसभा की दो सीट है, पहला गोरखपुर सदर लोकसभा तथा दूसरा बांसगांव लोकसभा क्षेत्र। दोनों लोकसभा को मिलाकर 9 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें खजनी विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद लोकसभा में आता है, लेकिन उसकी मतगणना गोरखपुर में ही होती है। इसी को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से विशेष बात करते हुए जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेय ने बताया, वाणिज्य भवन में एक करोगे कि दो करोगे? दो टेबल भी यहीं लगती है सर। ऊपर वाले में भी सर वो है, कब तक चलेगा? 7 अप्रैल। हेलो, इसे काम करो यार, जो आगे 5 साल से तो हम लोगों ने सब थोड़ा स्प्रेड आउट किया था, जैसे इनका जो बैडमिंटन बॉल है दो तीन जगह पे कराया। इसमें तो हर जगह अलग अलग होते हैं हर फ्लोर को अच्छा सर, अभी इन्होंने बनाया उनका डिस्बर्समेंट का है सर, स्क्रीन और स्केट यार, यहाँ सामग्री वितरण भी यहाँ से होता है, कहाँ करते कैसे करोगे? इन्होंने इस बिल्डिंग में सातों के साथ इसी पे तीनों में वो तो पहले भी होना है, उसकी एक्टिविटीज से जब उसका पार्टी रवाना होगा तो पार्टी वो उधर से बैडमिंटन पर्याप्त जगह है, एक तो आराम से ठीक है, उधर से फिर सर्दी का पाँच से फिर इधर से कर देते हैं तीन और बाद गाँव में दो दो इस पर खेल में हो जाएगा, एक हो जाएगा पाँच, यहाँ देंगे पाँच विधानसभा यहाँ आ जाएगा, आ जाएगा छः हुआ है ना, ये पूरा गोरखपुर गोरखपुर हो जाएगा, ये मिलके बांसगांव हो जाएगा, बैडमिंटन तुम्हारा उसके लिए हो जाएगा, बांसगांव में भी जो सबसे बड़ा हो अलग स्ट्रांग रूम काउंटिंग सारे चीज उसी पे हो जाए इंटैक्ट, बट यही तो हमने सब उधर तो तीन नहीं आ पाएगा, दो आ पाएगा।
और ये चैनल गेट जो है ये ओपन कर देते हैं, ये वाला इसको जब ओपन कर देते हैं तो फिर अंदर ये भी तो 2 किलो पर्याप्त है। यहाँ पे सर तीन हो जाए बाजाओ अलग हो जाता है, वो तो दोनों से आमने सामने हो जा रहा है। ये वाला भी वो भी छोटा वाला भी लेते हैं और उसके बाद एक मंडी में रखते हैं क्या मंडी में नहीं पता है नुकसान करने की जरूरत नहीं है। संवाद भवन है सर, आराम से बैठ के वहाँ एक ही तो करते हैं। ये जो यूनिवर्सिटी में हम लोग जो फिलहाल परंपरागत तौर से यहाँ जो काउंटिंग और यहाँ सारे जो पार्टियाँ का रवाना ही होती है उसी की तैयारी में है। अब वैसे आप जानते हैं यहाँ 9 विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, 2 सांसदीय क्षेत्र है, उसको जगह जगह कहाँ स्ट्रांग रूम रखना है, ईवीएम मशीन कहाँ रखना है, काउंटिंग जगह कहाँ रखना है, वो सारे चीज़ देखने के लिए हम पूरा टीम के साथ आए हैं। वो लगभग अभी फाइनल हुए हैं अभी तो, और बाकी सुविधा जो करना है यहाँ उसी के हिसाब से तैयारी हो जा रही है। चलो।